मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज पहुंचाता है सबकी खबर आप तक। 25 वेबसाइट और 25 यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है टीम बॉलीवुड अड्डा। दलवीर हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और ये मुंबई में तकरीबन 10 साल से हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे विजन होता है, जिसमें लगा हुआ व्यक्ति कई तरह के चैलेंज से जूझते हुए सफलता पाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रगति करना आसान नहीं है, इसलिए बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री की हर खबर से लोगों को अवगत करने के लिए तीन लोग दलविंदर धीमान, सोनिया मल्होत्रा सोई एवं दिनेश सुदर्शन सोई ने एमपी और फर्म टीम बॉलीवुड अड्डा की शुरुआत की है। सोनिया मल्होत्रा सोई विगत 12 वर्षों से आईटी क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। वे वेबसाइट डेवलपर हैं। उन्होंने इन 25 वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, साउथ, गुजराती व अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों की जानकारी मिलेगी। साथ ही उसे गूगल की टॉप रैंकिंग में लाया जाएगा। दलविंदर धीमान भी पिछले 12 वर्षों से यूट्यूब के बॉलीवुड अड्डा के जरिए सक्रिय रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एसपीआर फर्म के जरिए 25 वेबसाइट एवं 25 यूट्यूब चैनल के अलावा 400 से ज़्यादा वेबसाइट और होर्डिंग एवं डिजिटल मीडिया में फिल्मों को प्रमोट करेंगे। दिनेश सुदर्शन सोई कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्थान बना चुके हैं। टीम बॉलीवुड अड्डा के तीसरे स्तंभ हैं। वे क्रिएटिव विभाग को संभालते हैं एवं सेलिब्रिटीज को अच्छी प्रकार से पब्लिसिटी देंगे। And we have collaboration with 400 portals from Bollywood and all over the nation, which consists of regions like Punjab, Bihar, then south, down the south, and Gujarat, Hollywood, and international. So, myself Sonia Malhotra Soi, and I'm a website developer, and I worked as a website developer last 12 years. From last 4 months I'm working on these websites that new Bollywood and Hollywood, Bollywood for all nation levels websites. So the idea for this like Bollywood Adda, we are just subcategorizing the Bollywood Adda in subdomains. So that we can distribute about like state level news also. The basic features, like technically what we are doing in these portals, like we are providing the feature to contribute their articles, that is freely available. Anybody can contribute their article on our websites, and if that article is actually feasible or actually accurate, then I'll definitely, or our team will definitely post that article on our portals. Hello, myself Dalvinder Dhiman, और मैं YouTube channel 10 साल से चला रहा था Bollywood Adda के नाम से, जो कि इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे channels create किए थे, और जब ये चलने लगे तो इसके साथ साथ ये हमारे साथ दिनेश जी और सोनिया भाभी जी मेरे साथ मिले, और इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम एक वेबसाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, इसको बड़े लेवल पे लेके आते हैं। तो मैंने भी ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ ये ज्वाइन होके कि हम ये वेबसाइट को बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारी ये वेबसाइट बहुत ही आगे जा चुकी है और ये रैंकिंग में आ रही है, ऑल ओवर इंडिया में दिख रही है, और हमारे जितने स्टेट है वो वैसे ही है। जैसे हरियाणा का है, हरियाणा हॉलीवुड बनाया है, और जैसे साउथ है उसका टॉलीवुड बनाया है, ऐसे हमने बहुत सारे पोर्टल तैयार किए हैं जो कि अब हम आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ
जो कि यमुनानगर वो शहर है हरियाणा का है, और वहाँ से आकर मैंने यहाँ पर शुरुआत की। एक छोटे से मतलब मेरे दोस्त थे जो मुझे यहाँ पर लेके आए थे, और मैं वहाँ पर काम भी किया, और वहाँ एक 3,000 रुपये की नौकरी से मैंने ये शुरुआत की थी, और आज मैं इसका मालिक बन चुका हूँ बॉलीवुड अड्डा का। और आज ये बहुत ही अच्छे लेवल पे जा चुका है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका होगा। जैसा कि मेरे साथ जो ये सोनिया भाभी जी और दिनेश जी है, ये आगे की ये बताएंगे कैसे करने वाले हैं। देखिए, कोई भी वेबसाइट के लिए उसका डेली मेंटेनेंस सबसे बड़ा पॉइंट होता है, उसको डेली अपडेट, डेली नए प्लगइन्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको अप टू मार्क रखना। तो गूगल सर्च इंजन जो क्रॉलर चलता है वो हमारे कीवर्ड्स के बेस पे है, तो जो कीवर्ड्स हमारे लाइक हिट रहते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू यूज़ टेक्निकली। और लाइक इन माय करियर, लाइक आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा शुरू से ये सपना था कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई है, बहुत सारी ई कॉमर्स पोर्टल्स पे भी काम किया। मैं बेसिकली ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, बट जब भी काम करती थी तो काम करती थी यूएस का, कनाडा का, यूके का, तो मुझे होता था कि क्यों ना कुछ इंडिया लेवल पे कुछ किया जाए। क्यों, आईटी जो है, मेरे ख्याल से आईटी के जो जितने सारे इंजीनियर्स हैं वो यहाँ बैठे पूरे वर्ल्ड का काम कर रहे हैं, इंडिया का नहीं उतना कर पा रहे, ठीक है। तो मेरा एक ये भी सपना था, तो इसलिए मैंने ये इनिशिएट लिया है। तो जो बॉलीवुड अड्डा जो ऑलरेडी बहुत अच्छा, और मेरा ये था कि जो 3,00,000 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी हैं, तो जो हमारे फैंस हैं उनको उनके उनका लाइक उनको उनका प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो जिस प्लेटफॉर्म से जिस एरिया से बिलोंग करता है उनकी न्यूज़ उन तक पहुंचाई जाए, उनके लाइक उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देखो, कंपटीशन लाइक काम जब भी करो एंजॉय से करो, कंपटीशन एक अलग चीज़ है, हमने किसी को कम्पीट करने के लिए नहीं करना है। लाइक ये मेरा ड्रीम है, वो कैसे जाता है, कहाँ जाता है, दैट different thing. I'm not competing anyone. I'm a casting director, और मैं casting में ही रहने वाला हूँ। तो हम एक जब team बने, she's my wife, तो हम एक team बन के आगे आए, तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे TV के कलाकार हैं जिनको मैं खुद ही cast करता हूँ, और बहुत सारे music videos हैं जिसके अंदर daily हम लोग कोई ना कोई TV का अच्छी celebrity, अच्छा face हम लेते हैं, और कई फेसेस को लॉन्च करते हैं। लाइक अभी हमारे पिछले गाने में अवनीत कौर और रोहन मेहरा लॉन्च हुए, है ना। रोहन मेहरा लॉन्च नहीं हुआ, रोहन मेहरा का सेकंड गाना था, लेकिन वो पहले गाने में लॉन्च हुआ। तो हम ये न्यूज़ एक्सक्लूसिव बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं कि ये जो टीवी का लड़का है ये हमारी इसमें एक्सक्लूसिव बेसिस पे हमने इसको लॉन्च किया, ये हमारी न्यूज़ एक्सक्लूसिव है। जैसे हमारा एक लड़का है नंदीश सिंह, एंड ही इज गेटिंग लॉन्च्ड विद मूवी फैमिली ठाकुरगंज, तो हम ऐसे न्यूज़ एक्सक्लूसिव बेसिस लेके आ रहे हैं। तो ये यूनिकनेस है, फ्रेशनेस है न्यूज़ के अंदर। एंड मेरा ये मानना है, टू बी ऑनेस्ट, हम जब भी किसी हमें किसी के बाद किसी को देखना है, कुछ करना है, तो आज की डेट में गूगल बाबा, तो गूगल पे हम किसी भी बंदे को सर्च करते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई टेक्नीशियन हो, इसने क्या किया होगा, इसकी कितनी विजिबिलिटी है। तो जो हमारे पोर्टल्स हैं, जैसे कि सोनिया ने आपको इससे पहले बताया कि अगर हमें कोई न्यूज़ देता है और हमें लगता है न्यूज़ जेन्युइन है, तो हम उसको अपने पोर्टल पर डाल रहे हैं, और इसके पोर्टल की जो SEO है, जो उसकी सर्च, जो उसकी गूगल ऑप्टिमाइजेशन है, वो काफ़ी ऊंची है। वो अगर इसके यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, 25 पोर्टल हमारे खुद के हैं, अगर उसमें किसी न्यू कमर की, किसी अच्छे एक्टर की न्यूज़ आती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है। अगर विजिबिलिटी बढ़ती है तो हम ही नहीं, बहुत सारे लोग भी उसको देखेंगे, और डेफिनेटली वो एक, जैसे कहते हैं आंखों में आना, वो एक काम तो होगा आगे, तो डेफिनेटली इससे टैलेंट को फ़ायदा होगा। सिर्फ हमें ये चाहिए कि हमारा टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, और आप लोगों का साथ चाहिए। जितने भी हमारे ये सब्सक्राइबर या ये हमारे दोस्त देख रहे हैं, आप सब हमारे साथ हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका साथ पहले है। मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की, तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज पहुंचाता है सबकी खबर आप तक।